वीडियो में एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में, देखेंगे नेक्स्ट वीक में हम लोग को बैंक ऑफ इंडिया में क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है या फिर एक नीचे की तरफ फॉल देखने मिलेगा, बात करेंगे। अगर देखा है तो लास्ट हम लोग को आवर में कुछ स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग देखने मिला, स्टॉक अराउंड क्लोजिंग किया 143.95 रुपीज़ के पास। तो ऐसे क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक को लेकर बात करते हैं। नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट है 140 रुपये का लेवल और ऊपर के लेवल पे स्टॉक में रेजिस्टेंस दिख रहा है 150 रुपये का लेवल। तो मंडे के दिन जब भी स्टॉक में 150 रुपीज़ के ऊपर अगर बाई चांस हम लोग को कोई ब्रेकआउट देखने मिलता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा फिर से कुछ इस तरीके का रैली ऊपर की तरफ को देखने मिल सकता है, जो कि अराउंड शॉर्ट टर्म सबसे स्टॉक में टारगेट निकल के आ सकता है 160 से लेके 180 रुपये तक का, और लॉन्ग टर्म सबसे स्टॉक 200 रुपये से ज़्यादा का मोमेंटम लोग को ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है बैंक ऑफ इंडिया में तो स्टॉक को एटलीस्ट 145 रुपये के ऊपर निकलने का वेट करें, क्योंकि देखा है तो ऑलमोस्ट स्टॉक 145 रुपये के पास स्टॉक का सपोर्ट था, लेकिन स्टॉक ने आज के दिन थोड़ा सा स्टॉक सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए दिख रहा। तो स्टॉक में अगर नीचे की तरफ मंडे के दिन अगर स्टॉक नीचे की तरफ और गिरावट दिखाता तो नीचे की तरफ दूसरा स्टॉक का सपोर्ट है 140 रुपये का लेवल, जो कि मेजर स्टॉक का सपोर्ट है, क्योंकि 140 रुपये के पास स्टॉक ने वेट किया लगभग एक दो घंटा वेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर की तरफ फिर एक रेंज बना के ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर की तरफ देखेंगे अच्छा खासा मूव देखने मिला। तो ऐसे जब भी स्टॉक 150 रुपये के ऊपर निकलते हुए दिखेगा तो कुछ इस तरीके का रैली हम लोग को फिर से ऊपर की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो इस लेवल पर बाई कर सकता है, स्टॉप लॉस आएंगे 140 रुपये के पास, छोटा स्टॉप लॉस लगने वाला है और टारगेट निकल के आएगा ऊपर की तरफ 160 से लेके 170 रुपये तक का शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म हिसाब से स्टॉक हम लोग को 200 से ज़्यादा टारगेट दिखा सकता है ऊपर की तरफ। तब तक के लिए इतने इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।